अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तस्नीम खान। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ कच्चे कीमे के मटन कच्चे कीमे की सामी कबाब की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है 600 ग्राम कीमा। इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा कुटवा लिया है और इसे वॉश करके मैंने इसे रख लिया। एक बड़ी साइज़ की अनियन ली है मैंने, इस तरह से इसे कट कर लिया है मोटा मोटा। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ले लिया है। साबुत मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया, मैंने ये साबुत ही ली है। 3 से 4 लौंगे ले ली हैं, 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, 6 से 7 काली मिर्चें ले ली हैं, 5 से 6 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, ये तीखी वाली नहीं है। और 1 कप चने की दाल ले ली है, मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगा दिया है। और हरे मसालों में हमने ले लिया 1 कप हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें ली, इसे मैंने बारीक कट कर लिया। 1 अनियन ली है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो कुकर में हमने अपना कीमा ऐड कर दिया है, अब हम दाल भी ऐड कर देंगे, सारे खड़े गरम मसाले, ये साबुत ही पड़ते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब हम इसे बॉईल करेंगे तो सारे मसाले हमारे टेंडर हो जाएंगे। और अनियन, ये मैं अपनी तरीके से बना रही हूँ जैसे मैं घर पर बनाती हूँ। तो सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, हमारी दाल भी कीमा भी जो हमने सब ऐड किया अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो पानी इसमें इतना ऐड करेंगे कि हमारी जो ये हमारे समला इस हमें लगता है ये बराबर है। अब इसे हम चला कर देखेंगे। तो हमने इसे मिक्स कर लिया, देखिए पानी हमारा बराबर है। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी हमने नमक ऐड किया है। अब इसे हम ढककर 4 से 5 सीटियां ले लेंगे और इसे अपने ही दम पर छोड़ देंगे। देखिए सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है, दाल भी हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। और बिल्कुल इसका पानी हमारा एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है, हमने इतना पानी ऐड किया था ताकि हमारे सब चीज़ें टेंडर भी हो गई और हमारा पानी भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आइए इसे हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीज़ों को हमने अपनी ग्राइंड कर लिया है, अब बाकी के सारे मसाले हमारे जो बचे हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला जो मैंने आपको मेंशन किए थे, और ये सभी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अपनी मिक्स कर लिया है, अब इसे हम इसकी शेप देके टिकियों की शेप देकर इसे हम बना लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बना लिया है, बाकी की हम इसी तरह से बना कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए सभी हमने बना कर रख ली हैं, और तलने के लिए हमने अंडा ले लिया है, इसमें हम डिप करके इसे फ्राई करेंगे। तो आइए हम फ्राई कर लेते हैं अपने सभी टिकियों को। तो 2 अंडे ले लिए मैंने, इसमें हल्का सा नमक इसमें डालकर इसे फेंट लिया अच्छी तरीके से। फ्राई करने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है नॉनस्टिक, अब इसे हम गर्म हो जाने देंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपनी टिकियों को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी 1 टिकियों को लेंगे और इस तरह इसे अंडे में डिप करेंगे, यूँ डिप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह हम बाकियों को भी डाल लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दी है इसे, अब इसे एक तरह से हो जाने देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ब्रश से इसे लगाएंगे अच्छे से। अब इसे हम पलट देंगे, बिल्कुल मीडियम आंच रखेंगे, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। हम इसके एक साइड चेंज करके एक देखेंगे हुए हैं या नहीं।
बहुत ही मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बिना एग के इसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कम ऑयल में। बस आप अगर आपको एग नहीं डालना है तो आप ना डालें। देखिए कितना शानदार सा इसका कलर आया है। अभी इसे दूसरी साइड भी हम अच्छी तरीके से हो जाने देंगे इसे, फिर इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितने शानदार से हमारे सामी कबाब बनकर तैयार है। मैंने इसे हरे मिर्ची और पुदीने से इसे मैंने गार्निश कर दिया है। आप इसे चपाती रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जाइए आप भी बनाकर खाइए। अगर रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।